अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से दोबारा फास्ट ट्रैक के नाम पे मुलाकात। लकीली आईकैप ने इस दफा फिर से एक रिलैक्सेशन दे दी कि जो लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हैं कैफ की, वो लेस देन 3 पेपर्स दे सकते हैं। तो लास्ट टाइम भी आईकैप ने पेपर्स के करीब भी ऑप्शन दी थी, जिसकी वजह से देन सडनली हम लोगों ने एक फास्ट ट्रैक लॉन्च किया था उन लोगों के लिए जो उस जमाने का, जैसे आप पीआरसी का एग्जाम देके फ्री हुए, उस टाइम पे एएफसी चलता था। तो एएफसी के एग्जाम देके दिसंबर में फ्री हुए थे, जनवरी के स्टार्ट में उनका रिजल्ट आया था, और हम लोगों ने इसी तरह से उनको जो है वो 30 डेज का एक चैलेंज भेज दिया था, और उसमें उन लोगों ने बड़े कम टाइम में तेजी से अपना कोर्स कवर करना था। तो होता ये है कि जब आप एएफसी पीआरसी वगैरह इस तरह से फारिग होते हैं, तो देन कुछ गैप होता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और अगर आप इस गैप का फायदा उठा के एक आध पेपर क्लियर कर ले, तो आपकी जो बैचेस की प्लानिंग है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। इस दफा वी वर थिंकिंग कि ये हम बैच नहीं दे सकेंगे, लेकिन आईकैप ने सडनली जो है उस रूल को खत्म कर दिया, रिलैक्स कर दिया। बट एक बड़ा चैलेंज भी हमारे सामने आया। वो बड़ा चैलेंज ये था कि पीआरसी के स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग टाइम पे फ्री हो रहे थे। लास्ट टाइम जितने भी एफसी के स्टूडेंट्स थे, सबका जनवरी के 7, 8, 10 के आसपास तक रिजल्ट आ गया था, और उसके बाद वो सारे एक बैच की फॉर्म में आए, और देन हम लोगों ने 30 डेज का एक बैच स्टार्ट किया था, विच वॉज डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें हमने हर दिन का एक टफ सा टारगेट रखा था। उसमें लाइव इंट्रेक्शन होता था बहुत ज्यादा, और हम साथ साथ डे टू डे चल रहे होते थे। बट इस दफा हुआ ये कि स्टूडेंट ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से प्लान किया। किसी ने किसी टाइम पे पीआरसी के एग्जाम दिए, किसी ने किसी टाइम पे, कोई किसी वक्त पेपर से फारिग हो रहा है, कोई किसी वक्त। आपको पता है कि आप हर मंथ पेपर दे सकते हैं, और अलग अलग लोगों की अलग अलग डेट्स हैं पेपर देने की। तो हुआ ये कि हमें पिछले 1-1.5 महीने से मुसलसल स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे थे कि जी मैंने अब पीआरसी क्लियर कर लिया, किसी ने कहा मैं अब क्लियर कर लिया। तो देन वी रियलाइज कि अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक पूरा बैच बनाए और बैच पूरे से एक साथ ही उनको पढ़ाना शुरू कर दें। अब हर बच्चा अपनी अपनी डायमेंशन में आएगा, अपने अपने टाइम प्लान पे आएगा। इंटरनली काफी हमने सोचा, और देन हमने ये सोचा कि हम इस दफा जो बैच है वो डे वाइज पे ना रखें। हम ये ना रखें कि पहला दिन जो है वो फर्स्ट करें जनवरी की 15 है या जुलाई की 13 है, या इस तरह से करके। हमने इस तरह से नहीं किया, हम लोगों ने इसको 30 डेज बैच का एक नाम दिया, कंसिडरिंग के ईद भी है, कंसिडरिंग के और इवेंट्स वगैरह भी हैं। तो अब आप में से हर किसी ने इसको अपने तरीके से प्लान करना है। देन फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि जी, जिनको हमने मोटिवेट किया, हमने कहा जी आप भी कोर्स दे सकते हैं, आप जल्दी से जल्दी इसको कवर करके अपना एक आध पेपर बचा सकते हैं। अब दे स्टार्टेड टू थिंक कि शायद कोई कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है, या इसलिए हम उनको गाइड कर रहे हैं कि खाम खाम उन्हें फंसाना चाह रहे हैं या उन्हें मिसलीड कर रहे हैं। तो इन सारे फैक्टर्स की बेस पे, तो पीआरसी के जो लोग टूट गए और बाकी सारी चीजें, हमने डिसाइड किया कि हम इस कोर्स को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करेंगे। लास्ट सेशन हमने इस कोर्स को ऑफर किया था, आपने देखा होगा यहाँ टैगलाइन लिखी हुई है, फेमस फास्ट ट्रैक इज बैक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टूडेंट्स थे, और थ्रू आउट पाकिस्तान उन्होंने काफी ट्रस्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा अच्छा गया, बहुत जबरदस्त एक्टिविटीज हुई थ्रू आउट वो 30 डेज, बहुत हैवी थे, स्टूडेंट्स ने बड़ा सपोर्ट किया, और अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंट रिजल्ट में उसी फास्ट ट्रैक के एक स्टूडेंट ने मेरिट सर्टिफिकेट भी ले लिया। आउट ऑफ 9,000 स्टूडेंट जो आईकैप में अपियर हुए थे, एक स्टूडेंट जिसने हमारे पास फास्ट ट्रैक में एडमिशन लिया था और कम टाइम में 1.5 महीने में अपना कोर्स तैयार किया, तो उसने मेरिट सर्टिफिकेट लिया। उसकी वीडियो भी हमने मोटिवेशन के लिए मुख्तलिफ जगह शेयर की थी, और शायद कोर्स में भी आपको किसी जगह पर पड़ी हुई नजर आ जाए। मकसद आपको बताने का ये है कि यस, ऐसा नहीं है कि 1.5 महीने में एक सब्जेक्ट पढ़ा नहीं जा सकता, ना सिर्फ पढ़ा जा सकता है बल्कि अच्छी एफर्ट की जाए तो उसमें मेरिट सर्टिफिकेट तक जाया जा सकता है। तो वो हमारा बड़ा स्टार फास्ट ट्रैक कोर्स था। और फिर हम लोगों ने इस दफा, चूंकि पीआरसी के स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से टूट गए थे, और रादर देन के वो उनको हम कभी किसी बच्चा किसी टाइम पे कोर्स लेता, कोई किसी टाइम पे कोर्स लेता, इनिशियली हम लोगों ने इस कोर्स की 6,000 फीस रखी थी, एक नॉमिनल से फीस रखी थी, और देन इंटरनली भी डिसाइडेड कि हम इसको थ्रू आउट सारों के लिए फ्री कर देंगे। एक ऐसा कोर्स जिससे स्टूडेंट्स के मेरिट सर्टिफिकेट आए, हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। मोर देन 1,000 स्टूडेंट जो है वो लास्ट टाइम ऐसे थे जो हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड थे, और उन्होंने बिजनेस लॉ पास किया था अल्हम्दुलिल्लाह। आप मतलब आउट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, एक बड़ी स्ट्रेंथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स की उनमें थी। देन वी डिसाइडेड कि एक बड़ा स्टार कोर्स है, बड़े अच्छे तरीके से बन गया हुआ है, बड़ी वर्किंग हुई हुई है, तो व्हाई नॉट कि हम इसको सारे लोगों के लिए ओपन कर दें। तो देन
फास्ट ट्रैक इज विद यू, और इस दफा ये फ्री के टाइटल के साथ है। मकसद ये है कि आप लोगों को ये ना लगे कि जी हमें पैसे लेने के लिए हम आपको कोर्स बता रहे हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। अल्टीमेटली आप कहेंगे जी मैं तो इतने कम टाइम में नहीं कर सकता, ये तो उन्होंने अपनी मार्केटिंग से जो है मुझे फंसा लिया। कोई नहीं फंसा सकता आपको, आपने देखना है, ओरिएंटेशन देखनी है, थोड़ा सा जज करना है। फ्री कोर्स है, एक आध दिन आप ट्रायल लेके देखिए, अगर आपको समझ आता है कि नहीं आप यहाँ नहीं आ सकते, ओके, कोई मसला नहीं है, कौन सा आपने पैसे दे दिए थे इसके, तो ये फ्री जो कोर्स है ये इसलिए दिया है ताकि हर कोई अपने हिसाब से प्लान करे। अब इससे पहले कि मैं मजीद डिस्कशन को हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, छोटी छोटी सी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपको बतानी है। बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा टारगेट क्या है इस ओरिएंटेशन में? हमारा टारगेट है कि हमने ये प्रोसेस समझना है, हमने इस पेपर के बारे में समझना है और ओवरऑल चीजें देखनी है। सबसे पहले कि हम डिसीजन लेंगे हम कि क्या मुझे इस टाइम पे कैब फोर चूज भी करना चाहिए या नहीं, बिजनेस लॉ का पेपर मैं इसको उठाऊं या ना उठाऊं। देन ये फास्ट ट्रैक के अंदर शामिल किया, आप चीज किस तरह से पढ़ेंगे, लेक्चर्स कैसे होंगे, लाइव सेशंस वगैरह जो डिस्कशंस के होते हैं उनका क्या पैटर्न है, टेस्ट का क्या पैटर्न है, टीचर से इंटरेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, प्रॉब्लम्स आए तो क्या करेंगे, कौन सी बुक फॉलो करेंगे, डिफरेंट इश्यूज एनालिसिस टेक्निक्स क्या है इस पेपर को लेके, तो ये सारी चीजों पे इंशाल्लाह ताला हम डिस्कशन कर रहे होंगे। बस आपने थोड़ा सा हिम्मत करनी है, आपने ओरिएंटेशन में मेरे साथ चलना है। अगर आप ओरिएंटेशन भी पूरी नहीं टिक के देख पाए और आगे आगे फॉरवर्ड करें, इट मीन्स कि आप इतना स्टेमिना नहीं रखते कि आप एक कोर्स को कवर कर सकें, क्योंकि आपको पर डे अच्छा खासा पढ़ना होगा। तो थोड़ा सा आपने मेरा साथ देना है, ये नामुमकिन नहीं है, इवन बहुत मुश्किल भी नहीं है। वो लोग जो कि 6 महीने में 3 पेपर उठाते हैं, वो भी एक पेपर को औसतन 2 महीने 1.5 महीने ही दे पाते हैं, और चूंकि वो मल्टीपल चीजों को लेके चल रहे होते हैं, तो खूबसूरती की बात है कि फास्ट ट्रैक के स्टूडेंट्स की पास होने की प्रोबेबिलिटी उनसे ज्यादा होती है जो 6 महीने पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि आपके दिन दुनिया एक ही सब्जेक्ट है, आपने दिन रात यही एक सब्जेक्ट पढ़ना है, और आपने अपनी जिंदगी के 30 दिन वो भी आपकी अपनी पसंद के आपने डेडिकेट कर देने सब्जेक्ट के लिए। आप इन 30 दिनों में मेरे साथ मेरे बताए हुए पैटर्न पे चलें, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि विद द सपोर्ट ऑफ दिस कोर्स आप लोगों के ये पेपर जल्द से जल्द पास हो। एक एक करके चीजें लेके चलते हैं। ये कोर्स है क्या, मुझे इस टाइम पे कैप फोर चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। आप पीआरसी से फारिग हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने पीआरसी दिया और अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, या आप पीआरसी प्लान कर रहे हैं काफी आगे जाके, तो फिर ऐसा नहीं है। अगर आपने जून तक पीआरसी दे दिया है और आपका जुलाई में रिजल्ट आ रहा है, यस गो फॉर दिस कोर्स। बट अगर आप जुलाई में प्लान कर रहे हैं और उसके बाद आईकैप से पूछें कि जी मेरा दाखिला जा सकता है या नहीं जा सकता, और उसके बाद अगस्त में इस कोर्स में, सॉरी ये आइडियली उन लोगों के लिए है जो अभी जुलाई में इसको शुरू करने लगे। हाँ मीन वाला को होता दरमियान में ईद है, तो वो लोग जो जुलाई के मिड तक इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ये कोर्स उन लोगों के लिए है, वो लोग इसको लेके चले। लेकिन जो इससे आगे प्लान कर रहे हैं तो सॉरी, मतलब हमने कोर्स पे काफी वर्किंग की है, सारा कुछ है, बट अगेन आपको झूठा होप नहीं देना। अगर आप बहुत लेट जागेंगे और बहुत लेट इस कोर्स में आएंगे तो ये एक अच्छी बात नहीं होगी। तो जुलाई के मिड तक अगर आप डिसीजन ले चुके हैं तो यस आ जाएं, लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा और दिन गुजार दिए, 1-1.5 हफ्ता और गुजार दिया, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा इस कोर्स को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो दिस इज सजेस्टेड कि आप डिसीजन मेकिंग अभी करें। अब सवाल ये है कि जब आप कहते हैं कि मैं K4 चूज करूं या ना करूं, तो इस पैराडॉक्स में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कोर्स को 30 दिन में कंप्लीट करने के लिए मुझे चाहिए क्या। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको डिटर्मिनेशन चाहिए। अगर आपके अंदर एक अच्छी डिटर्मिनेशन है, आप कंसिस्टेंसी से काम कर सकते हैं दिस कोर्सेस को। लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं रखते, आप साथ साथ पढ़ने का मूड नहीं रखते, आप थोड़ा सा शोगल मोगल करना चाह रहे हैं, तो सॉरी इस कोर्स में आके खाम खा अपने आपको तंग मत करें, बिला वजह दाखिला मत भेजें, आईकैप में अपने और वालदेन के पैसे मत जाया करें। डिटर्मिनेशन इज द की। आप कहते हैं कि मैं कंसिस्टेंसी से पढ़ूंगा, डेली पढ़ूंगा, ओके। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दिन में 18 घंटे पढ़ेंगे, आपको पर डे 1 से 2 घंटे के लेक्चर्स लेने, नॉट मोर देन दैट। जिन 30 दिनों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उन 30 दिनों में, वो 30 दिन भी आपकी पसंद के, उन 30 दिनों में आपको 1 से 2 घंटे के लेक्चर लेने हैं, 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। यानी इफेक्टिवली मैं कह सकता हूँ कि अगर आप सीरियसली देना चाहें तो दिन के 4 से 6 घंटे मैं आपसे मांग रहा हूँ। अगर 1-1.5 महीने में आप कैफ के पेपर को करने जा रहे हैं तो दिस इज गुड। 3 से 4 महीने इज 3 से 4 आवर्स फॉर सेल्फ स्टडी, 1 से 2 आवर्स फॉर लेक्चर्स, तो 4 से 6 घंटे सीरियस स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो नंबर 1 आपको 4 से 6 घंटे मेरे साथ स्पेंड करने हैं। आपको बहुत सारी चीजें राइटिंग में करनी है इस कोर्स में, मैं जगह जगह आपको गाइड कराऊंगा, मुख्तलिफ वीडियोस में, मुख्तलिफ जगह, आपने कोई छोटी सी छोटी वीडियो भी मिस नहीं करनी, हर हर वीडियो में हर जगह आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दी जा रही होगी इंशाल्लाह ताला। देन कंसिस्टेंसी
क्रैमिंग आपको यहाँ पे, वो लोग जिनकी क्रैमिंग बेहतर है उनको ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में तकरीबन हाफ ऑफ द सब्जेक्ट ऐसा है जो काफी हद तक आपसे क्रैमिंग रिक्वायर करता है, तो आपकी रिटेंशन स्किल्स भी बेहतर होनी चाहिए। देन एक नीट रजिस्टर आपके पास होना चाहिए जिसमें आप जो हर दिन पढ़ें उसको नीट एंड क्लीन करके लिखें। मेरे नोट्स, मेरे लेक्चर्स को साइड पर रख दें, फिर अपने लिखे हुए के रजिस्टर को उठाएं और उसे याद करें, इंशाल्लाह ताला आप पेपर की, आपकी मेमोराइजेशन भी बेहतर होगी और आप देर तक उसे रिटेन रख सकेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये बेसिकली एक टारगेट है जिससे आप 30 डेज में इस चीज को कवर कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इससे आपको फायदा क्या होगा? आपने पीआरसी किया, आपको पता ग्रुप ए के 2 पेपर पास हो तो फिर आप ग्रुप बी की तरफ जा सकते हैं। अब ग्रुप ए में 4 पेपर है, अगर आप उसमें से एक पेपर CAF 4 उठा के क्लियर कर लेते हैं इस टाइम पे इंशाल्लाह ताला, तो देन आपके लिए बड़ा इजी होगा। अब आपको नेक्स्ट टाइम आपका कम्बिनेशन इजी हो जाएगा, आप 1, 2 और 3 उठा सकेंगे। नॉर्मली लोग आते साथ ही 1, 2, 3 अगर उठाते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये जरा बड़े पेपर है, और फास्ट ट्रैक में तो आप इसमें 2 जो टेक्स है वो थोड़ा बहुत फास्ट ट्रैक में चल जाता है, 1 और 3 ऐसे पेपर नहीं है जो आप फास्ट ट्रैक में कम टाइम में चला सके। जब आप CAF 3 को साइड पे ले जाके इससे आपने खत्म कर दिया, आपने 7 पेपर में इसको कवर कर दिया, तो अगले 6 महीने में आप वो 3 पेपर उठा सकते हैं, और उन 3 में से कम एक भी पास होता है तो आप ग्रुप बी में जा सकते हैं। और आइडियली अगर आप इसके मैक्सिमम पेपर पास कर लें तो यस, अगर आपने 3 पेपर एक गो में पास कर लिए तो फिर आप एक फाइनल छलांग मार सकते हैं कि आप ग्रुप बी के 4 पेपर इकट्ठे उठा रहे हैं। आप मोटिवेटेड होंगे, आपने फास्ट ट्रैक में एक पेपर पास किया, 6 महीने के सेशन में 3 और पेपर पास किए, तो फिर आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। हम सजेस्ट नहीं करते, आइडियली आपको 3 पेपर देने चाहिए, बहुत बड़ी जंप नहीं मारनी चाहिए, लेकिन अगर एक सक्सेस हिस्ट्री है, आप एफर्ट कर रहे हैं और एक अच्छे फ्लो में आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम सेव कर सकते हैं। तो CAF 4 इस वक्त देने से एक तो ये है कि आप अगली 2 अटेम्प्ट में CAF कंप्लीट कर सकते हैं इंशाल्लाह, इसकी भी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है। दूसरा फायदा ये है कि आपका कम्बिनेशन ऐसा बन गया कि अब आपको कम से कम एक पेपर पास करना, और आप ग्रुप ए और बी की कैद से आजाद हो जाएंगे और आप उसके बाद आगे मूव ऑन कर सकेंगे, वरना ग्रुप ए के जब तक 2 पेपर पास नहीं होंगे आप ग्रुप बी के सब्जेक्ट की तरफ अप्रोच नहीं कर सकते। कौन सा पेपर कब उठाना चाहिए वो एक सेपरेट इशू है, बहुत सारी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। आई एम फोकसिंग ऑन कि इस वक्त जो फास्ट ट्रैक है उसको आप क्या करना है, किस तरह से लेके चलना है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो स्पेशल फास्ट ट्रैक बैच है उसमें नॉर्मली शामिल क्या होता है। अब पॉइंट ये है कि मैंने आपको बताया कि जो ओरिजिनल कोर्स था जो हमने लास्ट टाइम भी ऑफर किया था, कि ये 6,000 का नॉर्मली कोर्स होता है, लास्ट टाइम भी इसकी प्राइस थोड़ी सी ऊपर नीचे थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। उसमें नॉर्मली 5 कंपोनेंट्स होते हैं जो एक एक्चुअल कोर्स होता है, वो एक्चुअल कोर्स जो आपके साथ साथ चल रहा होता है, जिसमें हम एक वीकली प्लान पे चलते हैं और मैं वीकली आपके साथ लाइव सेशन कर रहा होता हूँ, लेकिन वो तब होता है जब सारे एफसी के स्टूडेंट्स एक साथ आ गए होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोग पीआरसी के स्टूडेंट हैं, कोई जून में फारिग हुआ है, कोई मई में फारिग हुआ है, कोई पीछे से पढ़ रहा है, कोई दरमियान में जा गया है, इस टाइम पे हर स्टूडेंट की अपनी टाइमलाइन बन गई है, तो अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहा कि हम ऐसा कोर्स बनाएं जो स्टूडेंट्स को साथ लेके चले और मैं डे टू डे या वीकली बेसिस पे आऊं और मैं कहूँ हाँ भाई आपका चैप्टर तैयार हुआ, पता लगे आधे लोग होंगे जो 3 चैप्टर आगे गए हुए हैं, आधे लोग होंगे जो 2 चैप्टर पीछे गए हुए हैं। तो इस दफा हमने इसको मैक्सिमम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कर दिया है। दूसरी एक और वजह भी है, जब हम इसको फ्री करते हैं तो हमारे पास एक ऑडियंस ज्यादा आ जाती है। लास्ट टाइम हम लोगों ने तकरीबन साल 1.5 साल पहले BMBS बिल्कुल लास्ट टाइम ऑफर हो रहा था, हमने उसको फ्री किया था, तो उसमें 3,000 स्टूडेंट्स आए थे। अब इतने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना या इतने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना आसान नहीं है, खासतौर पर जब उनकी अलग अलग टाइमलाइन हो। तो जब हमने इस कोर्स को फ्री करने का डिसीजन लिया, देन वी डिसाइडेड कि हम मैक्सिमम कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्मेट डालते हैं, अदरवाइज एक जो प्रॉपर हमारा एक जो बैच होता है, यानी कि जिसके अंदर हम चीजों को लेके चल रहे होते हैं, हमारे 5 कंपोनेंट होते हैं नियर पियर के कोर्स में, जो कि आपको इस कोर्स में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कोर्स मेनली रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। नंबर 1, इसमें कस्टमाइज्ड वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती है, हमारे कोर्सेज में छोटी छोटी सी वीडियोज होती है, रादर देन कि आप 1 घंटे की क्लास देखें और उसके बाद जो है उसको आप काम की 15 से 20 मिनट की बात मिले। आपने देखा होगा फेसबुक वगैरह पे लोग कहते हैं मेरी इतनी पेंडिंग वीडियोज है, मैं 40 वीडियोज नहीं देख सका, मेरी 35 वीडियोज रहती है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप एक क्लास की 1-1.5 घंटे की वीडियो छोड़ते हैं और पेंडिंग हो जाती है तो आपके लिए मुश्किल है। हमने क्या किया, उस 1-1.5 घंटे के कंटेंट में से काम के 15 मिनट 20 मिनट निकाल के आपसे डिस्कशन किया, तो आपको छोटी छोटी सी वीडियोस में टू द पॉइंट डिस्कशन नजर आएगी, वन साइडेड। तो इसमें क्या होता है, हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें टू वे डिस्टर्बेंस नहीं होती है, लोगों के सवाल नहीं होते, सवालों को हम अलग तरीके से डील करते हैं। तो इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जो रेगुलर कोर्स होता है उसमें क्या होता है, नंबर 1 उसमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, देन उसमें वीकली लाइव सेशन चल रहे होते हैं कि वीकली बेसिस पे टीचर आता है, टीचर आपसे इंटरेक्ट करता है और टीचर के आप
जो टीचर आपके सवालों के जवाब दे रहा होता है और साथ साथ जो है चीजें चल रही होती हैं। जैसे हमने पिछली दफा जब ये सेशन किया था तो हम 2.5 घंटे पर वीक इकट्ठे होते थे सिर्फ सवाल जवाब के लिए। आप 6 दिन पढ़ते थे और 6 दिन बाद में आपके पास आता था और आपके साथ लाइव सवाल जवाब करता था। लेकिन ये तब पॉसिबल था जब सारे लोगों ने इकट्ठे चैप्टर वन शुरू किया था। अब कोई चैप्टर वन पे होगा, कोई 3 पे होगा, कोई 7 पे होगा, तो अब उस तरह से पॉसिबल नहीं। लेकिन मैंने कोर्स में इस तरह से डिजाइन कर दिया है कि आपके जब 6 दिन गुजरेंगे आपका एक लाइव सेशन आया हुआ होगा, वो लाइव सेशन एक्चुअल में लाइव नहीं होगा, वो पिछली दफा का जो एक्चुअल हुआ हुआ लाइव सेशन था वो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास होगा। ऑन एवरेज 2.5 घंटे का लाइव सेशन है। आखिरी लाइव सेशन जो फुल बुक का है वो तकरीबन 8.5 घंटे का, तो उसमें सिर्फ सवाल जवाब होते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स आपके यहाँ पे डील हो जाते हैं, नॉर्मली कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे डील हो जाते हैं। उसके साथ क्या होता है, उसके साथ आपको व्हाट्सएप की एक सपोर्ट मिलती है जो रेगुलर कोर्स है। क्या आप व्हाट्सएप पर सवाल पूछते हैं, टीचर टीचर के साथ सीनियर टीएस ये आपको जवाब दे रहे होते हैं। आपको रिग्रेस टेस्टिंग मिलती है, काफी हैवी सा टेस्टिंग सिस्टम होता है जिससे आप गुजरते हैं, 12 टेस्ट 15 टेस्ट अलग अलग। और फास्ट ट्रैक में हम 18 टेस्ट ले रहे होते हैं, 10 छोटे टेस्ट होते हैं 1 घंटे के, 2 बड़े टेस्ट होते हैं मिड टर्म और मॉक 3-3 घंटे के, और 6 एंड पे रिविजन टेस्ट होते हैं वो भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की रेंज के होते हैं। तो इसमें काफी हैवी टेस्टिंग और देन आपको माइंड मैप्स, हैंड आउट्स और वो सारी चीजें टीचर के साथ मिल रही होती है। आप जब कोर्स पे जाएंगे, कोर्स की मेन स्क्रीन जहाँ पे आप इस वक्त ओरिएंटेशन, जिस जगह पे आप ओरिएंटेशन की वीडियो अटेंड कर रहे हैं, इस वेबसाइट पे यानी कि nearpeer.org पे इस कोर्स में आप जाके देखें तो फर्स्ट जो पैक है उसमें सारी गाइडेंस है कि कोर्स को कैसे लेके चलना है। आपकी डिस्क्रिप्शन में लिखा रहा होगा, आप एक जगह क्लिक करेंगे तो एक नॉलेज बैंक पे आप पहुंच जाएंगे, फोल्डर में जिसमें सारा डाटा पड़ा हुआ होगा, जितने भी टेस्ट है वो सारी चीजें पड़ी हुई होंगी। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि चूंकि ये एक रेगुलर उस तरह से नहीं चल रहा और अलग अलग लोग अलग अलग टाइमलाइन से आ रहे हैं, तो अब क्या होगा, वीडियो लेक्चर्स तो पहले ही रिकॉर्डेड होते थे, अभी भी रिकॉर्डेड होंगे, ये लाइव सेशन अब आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में हो जाएंगे। डे 6 के बाद एकदम से लाइव सेशन आ गया। अब फर्ज करें कि आपका डे 6 है जुलाई की 11, किसी और का डे 6 है जुलाई की 25, किसी और का डे 6 है जुलाई की 22, जो भी अपने टाइमलाइन में डे 6 पर पहुंचेगा वो उससे अगले दिन वो वाला लाइव सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेगा जिसमें 80-90 स्टूडेंट्स ने लाइव आके बहुत सारे जो सवाल पूछे हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। कोर्स में जगह जगह फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन वीडियोस भी डली हुई हैं। आप एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ने के बाद आपके जहन में 4 सवाल आते हैं। इससे पहले कि आप सोचे मुझे उनका जवाब कैसे मिलेगा, कोर्स में ही उसी चैप्टर के साथ एक और फोल्डर बना हुआ होगा फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। आप उसमें जाएंगे तो वहां उसके जो टिपिकल सवाल स्टूडेंट्स के जहन में आते हैं उनके मैंने जवाब दिए हुए वीडियो फॉर्म में। उसके बाद भी आपको कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन की वीडियोस देखेंगे, यहाँ आंसर हुआ होगा, फिर भी कंफ्यूजन हो मैं आपको इनपे ईमेल एड्रेस भी दूंगा, आप मुझे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वीकली लाइव सेशन भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चले गए, वीडियो लेक्चर भी रिकॉर्डेड फॉर्म में चले गए, व्हाट्सएप ऑफलाइन मोड पे चला जाएगा। अब हम इंटरेक्टिव व्हाट्सएप नहीं बना सकते, अगर हमारे पास 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स आ गए फर्स्ट करें तो हम उनसे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं कर सकते। तो आप व्हाट्सएप का आपको लिंक मिलेगा, आप ज्वाइन करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप में आ जाएंगे, हम व्हाट्सएप से वन साइडेड कम्युनिकेशन करेंगे, हम आपको टेस्ट फॉरवर्ड करेंगे, हम छोटी छोटी सी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, छोटी मोटी वीडियोस उसमें डालेंगे, आपको वक्तन फवक्तन हम डेटा प्रोवाइड करते रहेंगे। कभी कभी बीच में इस तरह से है कि अगर हमें लगता है कि आप लोग काफी सीरियस हैं तो कुछ देर के लिए व्हाट्सएप ओपन करके आपसे कुछ सवाल ले लेंगे और उसके जवाब आपको दे देंगे। बट अगेन हम इसमें लाइव इंटरेक्शन या इसमें साथ साथ आपसे इंटरेक्शन इसमें कमिट नहीं कर सकते, कंसिडरिंग कि हमने इसको जनरल पब्लिक के लिए फ्री कर दिया है। तो द बिगर कॉज इज के ज्यादातर लोग कोर्स को एक्सेस करें, तो आपके मैक्सिमम सवाल उन रिकॉर्डेड वीडियोस और वीकली लाइव रिकॉर्डेड सेशन में हुए भी होंगे। रहेगी टेस्टिंग, जब हम टेस्टिंग आपकी कर रहे होंगे तो टेस्टिंग के अंदर आपको जिस फोल्डर की एक्सेस होगी, गूगल ड्राइव के फोल्डर की, सामने कोर्स में लिखा होगा क्लिक हियर टू एक्सेस नॉलेज बैंक, वहां ये सारे टेस्ट इनके सोल्यूशन समेत रखे होंगे। आप अपने अपने टाइम पे आए, आपने रिलेवेंट फोल्डर देखा, आपने स्केड्यूल में आपको बताया अब आपका टेस्ट है, आप जाए उस फोल्डर में आपका टेस्ट पड़ा हुआ होगा, उसका सोल्यूशन पड़ा हुआ होगा, आप करें, आप अपने आप को असेस कर सकते हैं। यानी हमने आपको मैक्सिमम डाटा प्रोवाइड कर दिया है। अब मैं रेगुलेट नहीं कर रहा आपको, स्केड्यूल रेगुलेट नहीं कर रहा, आप अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं। मैं आपको एक एक पैटर्न बताऊंगा, आपने उस पैटर्न को फॉलो करना है, चीजें आसान हो जाएंगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे लेक्चर्स, लाइव सेशन, टेस्ट, इनका स्केड्यूल क्या है, जिस स्केड्यूल का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। तो यस, ये आपकी मास्टर शीट आपके सामने, ये शीट आपको कोर्स में मिल जाएगी, आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट इस पॉइंट पे भी ले सकते हैं। तो आपके पास एक पैटर्न आ गया, अगर आप गौर से देखें तो डे 0 इज हाउ टू प्लान 30 डेज रिकॉर्डेड ओरिएंटेशन और स्टार्टर पैक।
फर्स्ट मॉड्यूल है स्टार्टर पैक, इसके अंदर ओरिएंटेशन है जो आप देख रहे हैं इस टाइम पे, और साथ छोटी छोटी सी गाइडेंस है कि आईकैप के सवाल किस तरह से सॉल्व करने होते हैं, ये काम किस तरह से होता है, वो काम किस तरह से होता है। तो ये डे जीरो है, यानी कि जिस दिन आपने कोर्स स्टार्ट किया है, ये डे जीरो है, जिस दिन आप रेडी हो रहे हैं कि यस मैं इस कोर्स की तरफ आऊं। देन डे वन, डे सिक्स, ये आप देख रहे हैं डिफरेंट हर डे के आगे। फॉर एग्जाम्पल डे वन के आगे लिखा हुआ है चैप्टर टू हाफ, डे टू के आगे लिखा हुआ है चैप्टर टू हाफ, डे थ्री पे लिखा है चैप्टर थ्री हाफ, चैप्टर थ्री हाफ डे फोर पे भी लिखा है। कोर्स में आप जाएंगे तो हर मॉड्यूल का नाम होगा, डे वन, डे टू, डे थ्री, और जब उसे ओपन करेंगे तो टू का उतना हाफ जो मैंने आपको बताया वो वहां मौजूद होगा। आपने वो वीडियोस देखनी है, किताब से उसे पढ़ना है, किताब भी मेरी किताब की सॉफ्ट कॉपी भी आपसे शेयर हो जाएगी, जो थ्रू आउट पाकिस्तान में एक सोर्स बुक के तौर पर अल्लाह का शुक्र यूज होती है, लोग उसको नोट्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आप उधर से रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के बाद आप जो है वो बड़े आराम से समझ सकते हैं, और जहां कंफ्यूजन हो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हैं। देन जब समझ आ जाए तो आपने उसको अपने रजिस्टर पे लिखना है। तो हर दिन का टारगेट होगा वीडियो देखना है, समझना है किताब को देख के, उसके साथ ट्रेस करना है, और अपने पास लिखना है। लिखने से आपकी रिटेंशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल आपने मेरी ये वीडियो मैं इस वक्त डिलीवर कर रहा हूँ आपको, आपने हो सकता है ये वीडियो देखी जुलाई की 13 तारीख को, 12 तारीख को। आपने कहा अच्छा 12 को देखी है, आपने यहाँ लिख दिया कि जी मेरा डे जीरो है 12 जुलाई, 12 जुलाई को मैंने ये ओरिएंटेशन देखी है। अब आगे अपने अपने 30 दिन का प्लान रखना है। हो सकता है आप कहेंगे मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ जो 4 दिन पढ़ता है फिर उसे 1 दिन रेस्ट चाहिए होता है, फिर 4 दिन पढ़ता है 1 दिन रेस्ट चाहिए होता है। आप अपने आप को समझें, और यहाँ आपने अपने डेज खुद लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहें मैं 13 जुलाई को पढ़ूंगा, मैं 14 जुलाई को पढ़ूंगा, मैं 15 जुलाई को पढ़ूंगा, फिर मुझे ब्रेक चाहिए होगी। हो गई ब्रेक तो 16 जुलाई मैंने ब्रेक कर ली, तो फिर 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई। तो टेक्निकली आपने ये 30 दिन जो मैंने आपसे, डे वन मेरे लिए कोई एब्सोल्यूट नहीं है, मैं ही नहीं कह रहा कि हमेशा जुलाई तेरा डे वन होगा, ये आप डिसाइड करेंगे कि जुलाई की 7 तारीख डे वन है या जुलाई की 13, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम क्या है, हर स्टूडेंट अपनी अपनी टाइमलाइन पे आ रहा है। आप अपनी अपनी टाइमलाइन पे आए, आप ये स्केड्यूल अपना बनाए। मेरा कोर्स आपको बता रहा होगा कि डे 14 में क्या पढ़ना है, तो आपने देखना है डे 14 आपका, अगर फर्ज करें अगस्त की यकम को डे 14 बन रहा है, तो यकम अगस्त को आप डे 14 नामी फोल्डर खोलेंगे नियर पीयर पे, और उसमें आपको पता लग जाएगा आपने क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो कोशिश करना है कि किसी भी दिन 1 दिन के टारगेट से आगे ना जाएं, और ये भी कोशिश करना है कि किसी दिन उस दिन का टारगेट पूरा किए बगैर आपने सुकून नहीं लेना। दिन के 4 से 6 घंटे अगर आप 4 से 6 घंटे अगर आप पढ़ेंगे तो आप पर डे अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले भी मैं उस स्टूडेंट की वीडियो देख रहा था जिसमें उसने कहा था कि सर ने मुझे काफी मोटिवेट कर दिया था, और मुझे दोस्तों ने कहा था नहीं भाई नहीं हो सकता, ऐसे थोड़ी होता है, 1.5-2 महीने में तैयारी नहीं होती, लेकिन सर ने मुझे मोटिवेट किया कि सब्जेक्ट आसान हो सकता है, और मैं उस वजह से कर लिया। तो मुझे अच्छा लगा कि यस, अगर एक स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलती है तो ये 30 डेज बहुत मुश्किल बात नहीं है, बड़े आराम से चीजें चल रही होती हैं। कि मेरा प्री रिजल्ट का रेगुलर बैच है वो भी 60 दिन के अंदर खत्म हो जाता है, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं है। तो समझे हम थोड़ा सा डबल रफ्तार से दौड़ रहे हैं, लेकिन एक ही सब्जेक्ट है, दिन रात दिन ईमान आपका एक सब्जेक्ट है, मैं आपसे मांग रहा हूँ आपके दिन के 4 से 6 घंटे। ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपने स्क्रीनशॉट लेनी है, आपने ये डेट अपनी हिसाब से डालनी है, मैंने डेज के हिसाब से। अब ये चलेगा कैसे, आपने ये 3 लेक्चर अटेंड कर लिए, 3 के राइट पे लिखा हुआ है टेस्ट नंबर 1, फोल्डर में जाएंगे टेस्ट नंबर 1 पड़ा होगा, आप उस टेस्ट को उठा के सॉल्व करेंगे, और फिर वहां सॉल्यूशन भी पड़ा होगा, आप अपने आप को असेस करेंगे कि आप किस जगह पे हैं, किस तरह से। तो आप अपनी टेस्टिंग खुद से कर सकते हैं, अपने पैटर्न से अपने दिन के मुताबिक कर सकते हैं। फिर आपने क्या किया, आपने 2-3 दिन अटेंड किए, दूसरा टेस्ट दे दिया, देन जब आपका डे 6 कंप्लीट हो गया तो आपका एक मॉड्यूल बना हुआ होगा रिकॉर्डेड लाइव सेशन, जो कि उस वक्त तक जितना पड़ा है उसका, ये 2.5 से 3 घंटे की औसतन वीडियो होगी, जिसमें उस वक्त पिछले सेशन में 5-6 दिन पढ़ने के बाद बच्चे इकट्ठे होते थे, 2.5-3 घंटे तक जो है हम डिस्कशंस कर रहे होते थे, सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन है। तो यूं समझें कि आप उस सेशन में थे और आप लाइव नहीं आ सके, और आपने बाद में सुन लिया कि बाकी लोगों के क्या सवाल थे। तो अगर 1000 से ऊपर लोग जो है वो बिजनेस लॉ के अंदर हमारे पास आ रहे होते हैं, तो उसमें जो लाइव सेशन में आने वाले लोग हैं वो 80-90 होते हैं, तो 10% से ज्यादा लोग नहीं आते। तो टेक्निकली 90% लोगों ने उस वक्त भी वो लाइव सेशन लाइव नहीं देखा होगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखा होगा। तो हमने किया ये है कि आपके रेलिवेंट डेज पे जो ग्रीन है, ग्रीन का मतलब है लाइव सेशन, और लाइव सेशन लाइव नहीं रिकॉर्डेड फॉर्म में वो वाला सेशन मौजूद है, और राइट साइड पे आ रहा है कि किस किस दिन आपने क्या क्या करने के बाद कौन कौन सा टेस्ट दे देना है। ये टेस्ट भी पड़े हुए होंगे, 10 रेगुलर टेस्ट हैं, एक मिड टर्म है आपका आधे सिलेबस पे,
एक आपका फुल लेंथ मॉक है जो पूरे सिलेबस पे है, मॉक डिस्कशन वीडियो भी है। यहाँ देखिए इधर मैंने एब्सोल्यूट डेट्स डाल दी है, 23 अगस्त को आपका मॉक होगा, 24 को उसकी डिस्कशन वीडियो आपको मिल जाएगी, 6 सितंबर को आपका एक एग्जाम है, उससे पीछे आप अपने हिसाब से कर सकते। जब आप काफी सारे चैप्टर्स कर चुके होंगे तो 2 दिन आएंगे जिसमें आपकी रिवीजन क्लासेस होंगी। मैंने डेढ़ साल पहले आईकैप में जाके कुछ रिवीजन क्लासेस कराई थी, मैंने उसको अमेंड करके यहाँ डाला है। जब आपका सेशन खत्म हो जाएगा, जब आपके 30 दिन पूरे हो जाएंगे और आप चाहेंगे कि अब मैं 5-6 दिन में क्विकली सारा सिलेबस रिवाइज कर लूं, कोई जरूरत नहीं है आप हर फोल्डर में जाएं, हर दिन की वीडियो खोलें, आपके पास 6 दिन के फोल्डर्स बने हुए होंगे, 6 दिन की आपके पास रिविजन क्लासेस होंगी, ये टारगेट है। और बिल्कुल रिसेंट अटेम्प्ट में, जिस अटेम्प्ट में मेरिट सर्टिफिकेट आया स्टूडेंट का माशाल्लाह से, स्प्रिंट 2022 में आईकैप ने उसमें मुझे इनवाइट किया था और अगेन उन्होंने मुझे मौका दिया था। जैसे मैंने पहले कोर्स में डाल दी थी वीडियोस, पर आईकैप ने दोबारा इनवाइट किया, उन्होंने कहा जी हमारी नई स्कीम की फर्स्ट अटेम्प्ट है, आप आके एक दफा थोरली स्टूडेंट्स को कोर्स कवर कराएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे आईकैप जाके मैंने 5 दिन में पूरी कोशिश की कि स्टूडेंट्स को कम से कम टाइम में फास्टेस्ट तरीके से ये कोर्स अलॉन्ग विद पास्ट पेपर्स कवर करवा दिया जाए। तो ये जो आखिरी वाली रिवीजन क्लासेस हैं, ये उस लेटेस्ट रिवीजन क्लासेस की हैं, जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों स्टूडेंट्स उसको देख के उनका फायदा हुआ और उन्होंने पेपर आराम से पास कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं समझे कि कोर्स खत्म होने के बाद भी मैं आपके सर पर सवार रहूंगा और फिर 6 दिन में दोबारा से रिविजन कराने के लिए मैं आ जाऊंगा। तो आपने क्या करना है, आपने एंड पे 1 वीक का मार्जिन रखना है अपने पास कि आप जो है रिविजन कर सके। उस 1 वीक में आपने सिर्फ रिविजन वीडियोज देखनी है, आपने पीछे वाली वीडियोज को इग्नोर कर देना। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे इन लाइव सेशन में भी मैं गाइडेंस दे रहूंगा, पास्ट पेपर्स की वीडियोस में भी गाइडेंस दे रहूंगा, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं आपसे दूर हूँ। आप मुझे इतनी दफा देख रहे होंगे कि आवाज़ार हो जाएंगे और आपको तो नींद में भी ख्वाब में भी मेरी बातें याद आ रही होंगी, क्योंकि आपने 1.5 महीने में इस कोर्स को खत्म करना होगा, तो आप बार बार इसे देख रहे होंगे। ये ओवरऑल पैटर्न है, ये ओवरऑल स्ट्रेंथ है। मैंने आपको बताया कि जो डेट वाला खाना है इसको आपने किस तरह से फिल करना है, थोड़ा सा चीजों का लेके चलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हैं कि ये टूल किट कोर्स क्या है। हमने जब CAP4 फ्री किया, और मैंने आपको बताया फ्री करने की रीजन ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा अलग अलग टाइम फ्रेम में आ रहे थे और हम उसको अमाउंट रख के और बाद में बच्चों से कहते हैं फास्ट ट्रैक तो बड़ा जरूरी है, तो हमें लगा कि दिस इज अ कमर्शियल एक्टिविटी कि हम अपने बेनिफिट के लिए आप लोगों को कहेंगे और आप लोग तैयार हैं या नहीं, और आप जबरदस्ती हमारा कोर्स उठा लें और बाद में कहीं ये क्या हुआ है। अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं है कि ये ऐसा कोर्स था जो अगर हम फ्री ना रखते तो कोई भी ना देख रहा होता। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम कहते हैं फेमस फास्ट ट्रैक इज बैक, ये लास्ट टाइम का सबसे पॉपुलर कोर्स था और सबसे बड़ी एनरोलमेंट यहाँ पे थी अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत बड़ी तादाद में लोग आके इसको अटेंड कर रहे थे। तो दिस टाइम इट वॉज ईजी, हम सिर्फ अनाउंस करें और हमारे पास 1000 से ऊपर बच्चे आ जाए और हम उनसे 6-6 हजार रुपए ले लें। बट अगेन चूंकि बच्चों अलग अलग टाइम पे आने हैं और मुझे नहीं पता कि कौन कितनी हिम्मत कर सकेगा, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसको फ्री रखें। जब फ्री रखते हैं तो उससे क्या हुआ, हमारे लाइव सेशन भी रिकॉर्डेड पे चले गए, वो टेस्ट भी रिकॉर्डेड पे चले गए, यानी बच्चा खुद अपने आप को असेस करेगा। असल में क्या होता था, हम स्टूडेंट से टेस्टिंग करते थे, हम साथ में उन्हें कमेंट्स देते थे, उनको एक और ग्रुप में डालते थे, उनकी ड्राफ्टिंग पे काम करते। अब जाहिर है जब सारी चीजें फ्री कर दी तो उसके बाद हम मोर देन 1000 स्टूडेंट्स 2000 स्टूडेंट्स अगर हमें टेस्ट जमा कराना शुरू कर दें तो हमारे लिए मुश्किल है, हम ये कमिट नहीं कर सकते, वादा नहीं कर सकते कि हम चेक करके देंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि बहुत सीरियस हैं और वो समझते हैं कि ठीक है यार फ्री कोर्स मिला है सब कुछ है, मुझे अगर एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, तो हम लोगों ने बड़ी नॉमिनल सी प्राइस रखी है। CAP4 के कोर्स के साथ आपको एक और कोर्स नजर आना शुरू हो जाएगा, दैट इज CAP4 टूलकिट। टूलकिट क्या होगी, यानी कि ये जो आपका फ्री कोर्स है ये आपने लिया प्लस आपकी जो टेस्टिंग है वो आपको एक्सटर्नल चेकिंग मिल जाएगी। इसमें ये जो 18 टेस्ट हैं ये आप टेस्ट करेंगे, अगर आप ये टूल किट में आते हैं तो आपका रिकॉर्ड अलग मेंटेन होगा। एक रिकॉर्ड वो होगा जिसमें लोग आ रहे हैं इंटरनेट पे किसी भी वक्त आए, उस फ्री कोर्स में एंटर हो गए, हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे और उन व्हाट्सएप ग्रुप में हम उन्हें गाइड करते रहेंगे, साथ साथ टेस्ट भी फॉरवर्ड करते रहेंगे, चीजें भी फॉरवर्ड करते रहेंगे और वो लोग अपने अपने मिजाज से देखते रहेंगे। बट वो बच्चे जो चाहते हैं कि उनकी एक असेसमेंट हो और उसके लिए वो थोड़े से पैसे खर्चना चाहते हैं, तो हमने बहुत ही नॉमिनल सी फीस रखी है। इवन हम लोग 10-12 टेस्टों का एक जो सिस्टम है उसके 2000 चार्ज करते हैं, बट चूंकि आप लोग इतने एंड पे आए हैं और आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं करना, तो हमने इसको 1000 पे प्राइस किया है टूलकिट को। तो टूलकिट इज लेक्चर्स आपने फ्री कोर्स के देखने हैं प्लस आपकी टेस्टिंग जो है हम उसको मार्क कर देंगे, प्लस व्हाट्सएप पे
वीकली बेसिस पे हल्की फुल्की से आपसे डिस्कशन, और जो हमारे साथ सीनियर टीएस होंगे वो आपके साथ कुछ लाइव सेशंस करके भी आपको कुछ गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे होंगे, प्लस जो फुल बुक सेशन है हम उसमें आपको इनवाइट कर लेंगे। जो सेशन के एंड पे तकरीबन 8 से 10 घंटे का फुल बुक सेशन होता है, आप लाइव उसमें आके जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे आप सवाल पूछ सकेंगे। हम सारे लोगों को लाइव बुलाएंगे तो वो सेशन क्लैप्स कर जाएगा और वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं सर वो मैं तो नहीं पैसे दे सकता, कोई जरूरत नहीं आपको पैसे देने की, आपके पास जो फ्री कोर्स है, जो फ्री कोर्स है उसमें वो कोर्स भी मौजूद है, उस वक्त के जो टेस्ट हैं वो भी मौजूद हैं, बस चेकिंग आपको अपनी खुद करनी होगी। और उस वक्त जितने भी लाइव सेशन हुए थे बशमूल आखिरी वो जो 8 से 10 घंटे का लाइव सेशन है वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ा होगा। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने 1,000 रुपए दिया तो इनको को बहुत आउट ऑफ द वे सर्विस मिल रही है, लेकिन वो स्टूडेंट जो थोड़ा सा चाहते हैं कि वो एक्सटर्नल अपने आप को चेक करवाएं, किसी बंदे को अपने पेपर चेक करने के लिए दें, और इस तरह से तो हमने एक नॉमिनल फीस रखी है ताकि वो लोग अगर ये टूल किट उठाएं तो वो ये फ्री कोर्स के साथ 1,000 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करके अपनी चेकिंग, अपनी गाइडेंस, अपनी डिस्कशन और वो हमारी टीम के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे, रादर देन कि आप सिर्फ यूजर बन के इसको देखें, आप इसमें टू वे कम्युनिकेशन हासिल कर सकेंगे। तो ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि मुझे को बताते हुए शर्म आएगी कि हम आपसे जो है वो लाखों रुपया ले लेंगे अगर आप हमसे रابطہ करना चाहें। फ्री कोर्स में सब कुछ है और इसको पढ़ के बड़े आराम से पास भी हुआ जा सकता है, आप अपनी तैयारी भी असेस कर सकते हैं, आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं, और आप मेरी सारी पिछले सेशन की सारी डिस्कशन भी एंजॉय कर सकते हैं बशमूल आईकेएफ की रिवीजन क्लासेस। इवन आप उसमें मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आप ईमेल पे मेरे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको सवालों के जवाब भी दूंगा, तो कोई मसला नहीं है। जरूरी नहीं कि आप 1,000 रुपया खर्चेंगे तो आपको चीजें मिलेंगी। दिस 1,000 इज समझे एक तरह की फीस है जो हमने टेस्ट चेकर्स के को करना है। हमारे साथ टेस्ट चेकर्स इन्वॉल्व हैं, सीनियर टेस्ट चेकर। जब सैकड़ों बच्चे उनके पास आएंगे और उनको 18 टेस्ट देंगे और उनको वो टेस्ट चेक करके उनको अर्ली एज अर्ली एज पॉसिबल वापस करना होगा, तो इसकी एक छोटी सी हमने फीस रखी है ताकि जो है वो हम उन्हें मोटिवेट कर सकें कि वो आपके टेस्ट ज्यादा से ज्यादा चेक कर सकें। क्योंकि मैंने अगर फ्री कोर्स किया है तो किसी और बंदे का या टीम मेंबर का क्या कसूर जिसको एकदम से सैकड़ों बच्चे उठा के अपने टेस्ट दे दें और फिर उसके बाद वो सारा दिन रात वो टेस्ट ही चेक करता रहे। तो जस्ट एक नॉमिनल सी फीस हमने रखी है। अगर आप अपने टेस्ट हमें चेक करवाना चाहते हैं, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हमारे टीम मेंबर्स के साथ डिस्कशन करना चाहते हैं सवाल जवाब, तो वो आप व्हाट्सएप में भी आपको सारी सपोर्ट मिल रही होगी, आपके टेस्ट चेक हो रहे होंगे। तो ये 1,000 इज टोकन ऑफ सीरियसनेस। अगर हम सबके लिए व्हाट्सएप ओपन करेंगे ना तो लोग व्हाट्सएप में आके ना वो सिर्फ सिर्फ शोर शराबा मचाते हैं। अगर हम सबको कहेंगे आपके टेस्ट हम चेक कर देंगे तो हम झूठ नहीं बोल सकते, हम वो चेक कर ही नहीं सकते अगर हमारे पास मैस ऑडियंस के आ जाएं। हाँ, हर बच्चा अपना टेस्ट चेक कर सकता है, और वो बच्चे जिन्हें लगता है कि हमारा टेस्ट हमें चेक होके मिल जाए तो ये कैफ 4 टूल किट जो कि मैंने आपको बताया है कि ₹1,000 में वहां पे आपको नजर आना शुरू हो जाएगी वेबसाइट पे। जस्ट इसमें 1,000 एक्स्ट्रा पे करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो लोग टूल किट में है उनको हम थोड़ा सा जरा ज्यादा एकोमोडेट कर देंगे, उनको हम ऑफिशियली अपने सारे उसमें एक्टिविटीज में ले आएंगे ताकि वो लोग जो के सीरियस हैं और चाहते हैं कि उन्हें साथ साथ सपोर्ट मिले उनकी एक छोटी सी हेल्प हो जाए। और अगेन मैंने कहा अमाउंट इतनी छोटी है कि इसमें मतलब हमें कोई परेशानी नहीं है, इतने में तो एक किताब आती है तो हमें ये कोई परेशानी नहीं है कि हम आपसे इस तरह से वो कर रहे हैं। ये सीरियस बच्चों की सीरियसनेस का टोकन है कि वो ये जमा कराएं तो वो जरा ज्यादा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। मैंने आपको बताया कि मत परेशान हो, आप नहीं जमा कराना चाहते, कुछ नहीं है, आपका फ्री कोर्स इज एनफ कि आप पेपर पास कर सकते हैं इंशाल्लाह। टीचर से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, एक अहम सवाल। अगेन व्हाट्सएप पे टीचर आपसे इंटरेक्ट कर रहा होगा, मैं मुख्तलिफ गाइडेंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, मुख्तलिफ डेटा आपसे शेयर करूंगा, मेरे टीम मेंबर्स टेस्ट शेयर कर रहे होंगे, और इस तरह से करके लाइव सेशन में आप इंटरेक्ट करते हैं। वो लाइव सेशन में अगर आप आते हैं तो 2.5 घंटे में पिछली दफा वालों ने इतने सवाल पूछे, आपके पास मजीद कोई सवाल नहीं होना था, वो पूरा का पूरा 2.5 घंटे के सेशन आपके साथ ऑलरेडी मौजूद है। फिर भी आप कहते हैं नहीं जी मेरा एक सवाल है जो ना फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में नजर आया ना लाइव सेशन में नजर आया, मैं ये कैसे पूछूं, तो मैं कहूंगा ठीक है जी मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे दूंगा, आप मुझे ईमेल कर दें। अगर एक बच्चा ईमेल करके मेरे से सीरियसली सवाल पूछ रहा है तो यस आई वुड बी एक्साइटेड, मैं उसको आंसर कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये ऐसा नहीं कह सकता कि मैं कहूंगा कि मैं व्हाट्सएप में जंप मार दूंगा और वहां पे जितने भी लोग हैं वो आ जाएं, और मैं पर मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं, मैं आप लोगों जितना फास्ट नहीं हूँ तो मैं ये झूठा दावा नहीं कर सकता कि मैं व्हाट्सएप में होऊंगा और मैं आग लगा दूंगा। मैं अभी भी करेंटली मैंने देखा तो मेरे व्हाट्सएप पे
आज दिन भर के वो 225 के करीब अनरीड मैसेजेस हैं। मैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं उसे देख सकूंगा। आप लोग ये वीडियो जिस टाइम पे भी देख रहे होंगे, लेकिन शायद आपको सुन के हैरत होगी कि मैं इस टाइम पे रात 2:52 हो रहे हैं जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कुछ मसलों मसाइल इस तरह से हैं कि पूरा दिन की क्लासेस हैं, सब कुछ है, तो मैं एक झूठी कमिटमेंट नहीं कर सकता कि मैं हर वक्त व्हाट्सएप पे रहूंगा। हाँ, मैं हर दिन कोशिश करता हूँ अपनी ईमेल्स देखूँ, मैं उन ईमेल्स को रिप्लाई करूँ, क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर इतना ब्लॉटेड है, इतनी सारी चीजें, इतने फॉरवर्ड मैसेजेस हैं कि मैं उधर नहीं रीच कर सकता। तो मैं अपना नंबर आपको नहीं दूंगा व्हाट्सएप के लिए। हाँ, मैं कई दफा कम्युनिकेट करूंगा आपसे, तो आपने उस ग्रुप उस नंबर पे आप मैसेज भी करेंगे तो फायदा नहीं होगा। मैं आपको एक सीनियर टीम मेंबर का भी नंबर दे दूंगा, मैं अपना ईमेल एड्रेस भी दूंगा, ताकि आप वाकई अगर सीरियसली पहुंचना चाहते हैं तो आप पहुंचे। रादर देन के वो मेरे पास दिन में 500 फॉरवर्ड मैसेज आए हुए जिसमें फूल, तितलियां, हंसते हुए बच्चे, आपको पता है कि स्टूडेंट्स तो बस हर चीज ही फॉरवर्ड कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं अवेलेबल रहूँ आप लोगों के लिए, रादर देन के मैं मैसेजों में उलझा रहा हूँ और सही बंदे की बात तक ना पहुंच सकूँ। तो ये मैंने आपको कुछ थोड़ा सा एक ओवरऑल बताया कि क्या पैटर्न है, किस तरह से, और एंड वाला जो लाइव सेशन है वो लंबा चौड़ा सा होगा। उसका मैंने आपको बताया कि हम लिंक वगैरह भी शेयर कर रहे होते हैं। नॉर्मली आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आखिरी 8 से 10 घंटे वाला मिल जाएगा, फिर भी ईमेल मौजूद है, फिर भी और ऑप्शन मौजूद हैं। आप, मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, अगर आपको फ्रीक्वेंटली आस क्वेश्चन में नजर आता, आप ईमेल नहीं लिखनी आती, कोई मसला नहीं, आप टीम मेंबर के व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजेंगे, मैं 1 से 2 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा इंशाल्लाह। प्रॉब्लम हो जाए तो किसको कांटेक्ट करें? यस, ऑनलाइन क्लासेस बदनाम है इस हवाले से कि बच्चे कहते हैं जी वो मैं तो रब्ता करता रहा, मेरी किसी ने सुनी नहीं, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, कॉलेज वाले तो बदमाश हैं, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, वो तो मेरी कॉल नहीं उठा रहा। फिजिकल कॉलेज में क्या होता है, आप एक जगह जाते हैं एडमिशंस का आपका काम होता है, आप कहते हैं ये चीज, वो कहते हैं यार वो वाले के दरवाजे पे जाओ, आप फौरन से उस दरवाजे पे जाते हैं, उस बंदे से रब्ता करते हैं। होता ये है कि जो फीस कलेक्ट करता है उसको नहीं पता कि आपका फॉर्म कहाँ जमा होना है, जो फॉर्म कलेक्ट करता है उसे नहीं पता आपको एक्सेस कैसे मिलेगी, जो दरवाजे पे होता है वो बंदा और है, प्रिंसिपल और होता है, वाइस प्रिंसिपल और होता है, कोऑर्डिनेशन वाले और होते हैं। फिजिकल कॉलेज में लोग बर्दाश्त कर लेते हैं ये चक्कर लगाना, ऑनलाइन में वो कॉल करते हैं तो पता लगता है जी वो बंदा कहता है जी मुझे नहीं, आप फलां से रब्ता करें, बच्चा गुस्से में आ जाता है, कितने जालिम लोग हैं, जवाब ही नहीं दे रहे। तो मैं आपसे कुछ डाटा शेयर कर रहा हूँ, अगर अगर आपको सही पता हो ना कि किस वक्त कौन सा दरवाजा खटखटाना है, आपको कभी भी मिस कम्युनिकेशन नहीं होगी। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन ओनली पे होगा, बट एडमिन तो आपके एक्सेस में होंगे, आप उन्हें भी छेड़ सकते हैं कि जी मेरे साथ ये मसला आ रहा है। लेकिन दिस इज गुड कि मैं आपको बताऊं कि अगर नियर पीयर पे आपको इश्यूज आ रहे हैं, कोई वीडियो आपकी चल नहीं रही, आपकी ऐप नहीं चल रही, ऐप पे डाउनलोड नहीं हो रहा, ये मसला नहीं हो रहा, ये रिप्रेजेंटेटिव के नंबर है, आप इधर रब्ता करके उनको बता सकते हैं नियर पीयर रिलेटेड मसले। कंटेंट रिलेटेड मसला, यानी कि आप कहेंगे कि वीडियो नंबर 3 लिखी हुई आ रही है और उसके बाद वीडियो नंबर 5 है, तो वीडियो नंबर 4 कहाँ गई? वीडियो जो मेरी टीम अपलोड कर रही है, देखिए एक नियर पीयर वाले जो टेक्नोलॉजी और वेबसाइट की सपोर्ट दे रहे हैं, एक मेरी टीम है जो मैं जो उनको वीडियोस देता हूँ वो वीडियोस अपलोड करते हैं। वीडियो की अपलोडिंग में मसला है, वीडियो के नंबर में कोई मसला है, वीडियो का नाम नहीं समझ आ रहा, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैंने स्केड्यूल में कहा था डे 4 में चैप्टर फलाना होगा और आपने खोला तो वहां गलत वीडियो पड़ी। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं जमशेद साहब से, उसके अलावा 2 एडिशनल नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इनसे रब्ता करके इन्हें बता सकते हैं कि जी मेरे साथ ये मसला है। टेक्निकल एक्सपर्ट फॉर गाइडेंस, ये भाई एडमिन के तौर पे मौजूद होंगे, पिछले 4 साल से ऊपर हो गया ये मेरे साथ हैं और ये फाइनल के अंदर भी मुझे हेल्प कर रहे हैं। ये बिजनेस लॉ के ऊपर काफी अच्छी कमांड है इनकी, इवन आईकैप में मेरा सेशन होता है तो मैं जब सेशन दे रहा होता हूँ तो जो लाइव सवाल आ रहे होते हैं हम सबको ये आंसर कर रहे होते हैं। सर अली सर, ये टेस्टिंग के भी हमारे इंचार्ज हैं, ये टेस्ट के अंदर भी आपकी चेकिंग और सारे उसमें जो टूल किट के लोग हैं उनके साथ अटैच रहेंगे, उनके साथ लाइव सेशन करेंगे, ये उनके साथ व्हाट्सएप पे ओपन सवाल जवाब कर रहे होते हैं। तो अगर आपको किसी भी वक्त कंफ्यूजन आए सब्जेक्ट में किसी मैटर पे, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं आपका क्या मसला है किस तरह से। तो वीडियो रिलेटेड आपने इधर आना है, आपने वेबसाइट रिलेटेड या ऐप रिलेटेड मसलों में आपने इधर आना है, आपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास अगर वो करना है तो यूं समझें जैसे आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं वैसे ही आप इनसे पूछ रहे हैं, आपको बहुत कम्प्रिहेंसिव जवाब देंगे अगर आपने इन्हें जरूरत से ज्यादा तंग नहीं किया तो। और देन ओवरऑल सपोर्ट, आप कहते हैं जी मेरे साथ ये हो गया, जुर्म हो गया, मेरा अचानक से एक्सेस कैंसिल हो गई, मुझे इस तरह से मेरा कोई कोई पोसाने हाल नहीं, कोई सुन नहीं रहा, मिस्टर जानदेव
सर जानदेव जो कि हमारे पास नियर पियर पे एक टीचर भी हैं और ये इस सारे प्रोजेक्ट को मेरे बिहाफ पे हेड कर रहे हैं। तो नियर पियर के साथ हमारा जो एक इंटीग्रेशन है, हम लोगों एक टीम ऑफ टीचर्स है और नियर पियर इज अ पोर्टल, तो ये उसको हेड कर रहे हैं। तो कोई भी इस लेवल का मसला कि आप कहें कि आपको बहुत बड़ा कोई शिकायत है नियर पियर से, आपके साथ बुरा हुआ, कुछ कुछ ऐसा जिसमें आप चाह रहे हैं कि आप आके मुझे कंधा हिला के कहें, सर देखिए मेरे साथ जुल्म हो गया, आप समझें कि आप इनका गंदा इलाके ने भी बता सकते हैं कि आपके साथ जुर्म हुआ, ये आपको उसी तरह से सपोर्ट करेंगे जैसे मैं हूँ, बल्कि मैं बुरा हूँ, मैं फोन नहीं देख पाता, ये फोन देख भी पाते हैं और ये आपको इंशाल्लाह ताला हेल्प भी करेंगे। देन सर उसामा वहीद ये मेरे साथ सीए फाइनल में भी होते हैं, तो मैं शाम का मैक्सिमम टाइम इनके साथ गुजारता हूँ, यानी कि मैं अगर कैफ की क्लासेस से फारिग होकर फिर सीए फाइनल के लिए आता हूँ, मैं सीए फाइनल के कैंपस को एड कर रहा हूँ। अरे वो तो आप लोग तो नए हैं, टीचर का तो इंट्रोडक्शन ही नहीं किया। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं एक कॉलेज के सीए फाइनल के सेटअप को हेड कर रहा हूँ। उसके अलावा जो है वो आईकैप में जाके कुछ रिविजन क्लासेस कराता हूँ, कुछ बुक्स वगैरह लिखी हुई है। बस मेरे ख्याल में इतना इंट्रोडक्शन काफी है, आपने इंटरनेट पे अपने बाकी दोस्तों से पूछ लेना है। अचानक से मुझे ख्याल आया कि आप लोग तो पीआरसी से आए हैं, तो आपको पता नहीं, पता भी होगा या नहीं, तो आप कहें लो जी बहादुर पढ़ाई जा रहा है, पढ़ाई जा रहा है, बता ही नहीं रहा कि है कौन। तो मेरा नाम आतिफ आती है और मैं एक शरीफ आदमी। तो सर उसामा वहीद ये इनको नंबर पे आप रापता करके, क्योंकि मेरे साथ टीम में सीए फाइनल के अंदर मौजूद हैं, तो जब मैं शाम में रात में यहाँ बैठ के वर्किंग कर रहा होता हूँ, तो अगर मैं आपका मैसेज नहीं देख सका, मैं आपकी ईमेल नहीं देख सका, ये आके मुझे बता देते हैं कि सर जी वो चार स्टूडेंट्स हैं जिनका मसला है और वो काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, ये उनका इशू है, तो मैं इनके नंबर के थ्रू रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। तो ये वाला नंबर है, ये वो व्हाट्सएप नंबर है जिधर से आप मेरे तक पर्सनल क्यूरी पहुंचा सकते हैं। लेकिन मुझे दुख होगा कि अगर आप एक ऐसा सवाल पूछें जिसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी दी हुई है, तो एक दफा वीडियोस पूरी वॉच कर लेनी है फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आपकी क्यूरी भेजनी है। आई एश्योर यू कि अगर आपने सारी वीडियोस देखी है ना, तो शायद 99% मसले हल हो जाएंगे, 1% आपका सवाल रह जाएगा जो आप इनके इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मेरे तक पहुंचा सकते हैं या मेरे ईमेल पे दे सकते हैं, मैं ईमेल भी अपना शेयर करूंगा। सारी चीजें प्रोसेस के बारे में हमने अच्छी खासी बातें कर ली, अब हमने देखना है कि ये सब्जेक्ट क्या है, इसमें कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, क्या मामला है, किस तरह से। आप चूंकि जिस टाइम पे आ रहे हैं अब वक्त बड़ा कम है, आईकैप के सब्जेक्ट में किताब होती है, बड़ा थॉरली गाइड करती है, एग्जाम्पल्स दे रही होती है, समझा रही होती है, आप उसे पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर अपने नोट्स बनाते हैं। सॉरी आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप लेक्चर से अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, आप आईकैप की स्टडी टेक की तरफ मत जाएं, छोटे मोटे से एरर्स भी हैं, लेकिन इस वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वो किताब पढ़ सकें। मैंने इसी किताब के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, वो मौजूद है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी किताब खरीद लो, आप कह लो जी तो अपनी किताब को प्रमोट कर रहे हैं, मेरी किताब आपको सॉफ्ट में अवेलेबल होगी, कोर्स में एक लिंक आया हुआ होगा, क्लिक हियर टू एक्सेस नॉलेज बैंक, आप उस लिंक पे जाएंगे तो आपको मेरी किताब की सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, आपको टेस्ट मिल जाएंगे और आपको हर वो कम्युनिकेशन मिल जाएगी जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। तो समझे आपसे मेरे रबते का जरिया वो फोल्डर है, जिस फोल्डर के अंदर मैं मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता रहूंगा। तो आप मेरी किताब उठा सकते हैं, इसमें नोट्स हैं, पास पेपर्स हैं, एमसीक्यूज हैं और ये सारी चीजें हैं जो जिसकी आपको प्रैक्टिस वगैरह मिल रही होती है। ओहो मुझे याद आया, ये जो पीछे मैं बता रहा था, इतनी मजे की खबर तो मैंने आपको बताई नहीं, ये जो 1000 की टूल किट मैं आपको बता रहा था, इसमें मुझे भी पास पेपर्स का जिक्र करते याद आया कि हमारे एक ग्रुप ने एक बड़ी अच्छी किताब कंपाइल की थी पास पेपर्स एग्जामिनर कमेंट्स और वो, तो ये जो स्टूडेंट्स ये 1000 फीस जमा करा रहे हैं, इनको वो पास पेपर्स की बुक भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और मजे की बात है उनके घर डिलीवर होगी, चाहे वो स्कर्दू क्यों नहीं रहते। तो मजे की बात है कि आपने अपना डेटा देना है, तो आप लोगों को वो जो रजिस्टर हैं जो कि ये 1000 की नॉमिनल फीस दे रहे हैं, उनको हम पास पेपर की किताब उनके घर भी डिलीवर कर देंगे। यानी हमने पूरी कोशिश की है कि 1000 रुपए में से हमें 1 रुपया भी ना बचे, बल्कि उल्टा 2 रुपए जेब से लग जाए भले, तो इसमें पास पेपर की बुक भी मिलेगी। तो ये टूल किट वालों के लिए एक एक एडिशनल चीज है। बाकी लोगों को मेरी किताब की जब सॉफ्ट कॉपी मिल रही होगी तो उनकी पास पेपर की नीड्स काफी हद तक कवर हो गई होगी। तो दैट इज ऑल अबाउट कि क्या बुक किस तरह से, यानी कि हमने सबसे पहले इस डिसीजन पे बात की कि क्या मुझे कैफ फोर उठाना चाहिए इस टाइम पे, फिर हम लोगों ने बात की कि इस फास्ट ट्रैक में क्या क्या शामिल है और आपका ये जो फ्री वाला फास्ट ट्रैक है इसमें क्या शामिल है और ये लाइव क्यों नहीं है और ये मेनली रिकॉर्डेड क्यों है, देन टीचर से कैसे इंटरेक्ट करें, प्रॉब्लम्स वगैरह उन सबको डिस्कस किया। अब हम इस पेपर के इश्यूज एनालिसिस और डिफरेंट टेक्निक्स की बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ हैं, अगर आप ओरिएंटेशन देख के थक गए हैं ना तो सॉरी भाई मत आए इस कोर्स में, ऑब्वियसली आपको दिन के 1 से 2 घंटे
कम से कम लेक्चर्स देखने होंगे, छोटी छोटी वीडियोस हैं। हमने कोशिश की है कि ऐसी वीडियो के आप वीडियो देखें, पानी पिए, दोबारा से अगली वीडियो देखें। ऐसा ना हो कि आप 1.5 घंटे तक अजीत में बैठे हो फॉरवर्ड कर रहे हैं। हमने टू द पॉइंट वीडियोस बनाई है, लेकिन अगर आप इतनी भी ना देख सके ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है आपको एफर्ट करनी है। दिन के आपको 4 से 6 घंटे देने होंगे, अगर आप देने के लिए तैयार हैं ये, तो फिर आप उस कोर्स में आए, वरना बिला वजह अपनी अटेम्प्ट खराब मत करें, बिला वजह अपना टाइम बर्बाद ना करें। बहुत अच्छा टाइम है, पीआरसी देके आप फारिग हो गए हैं, सितंबर के बाद क्लासेस शुरू होनी है। यशी करें, पहाड़ों पे जाएं, घूमें फिरें, अगर आपका इरादा पढ़ने का नहीं है। और पढ़ने का इरादा है तो ठीक है, आप 30 दिन पढ़ के पेपर देने के बाद भी 2-3 हफ्ते बाद क्लासेस शुरू होती है, आप उसको घूमने फिरने जा सकते हैं। तो इट इज यू जिसने डिसाइड करना है कि आपने ये कोर्स लेना है या नहीं लेना। पेपर की तरफ आते हैं, इश्यूज क्या है इस पेपर का। एक बहुत बड़ा मसला ये है कि लोग इसको इजी समझते हैं। नो डाउट इजी है, लास्ट टाइम आईकेप में 45% रिजल्ट आया, यानी कि जितने लोग अपीयर होते हैं उनमें से 45% तकरीबन आधे बच्चे पास हो गए। इतना तो एफएससी मैट्रिक में रिजल्ट नहीं आता। ये सब्जेक्ट पहले मुश्किल होता था, लेकिन रिसेंटली इसका सिलेबस काफी कम करके आईकेप ने बहुत ईजी रिलैक्स कर दिया है। अब इतना आसान होता है कि बच्चे बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, और कई दफा रिलैक्स होने की वजह से फेल हो जाते हैं। तो मैं नॉर्मली कहता हूँ कि लॉ इतना आसान है कि फेल हो जाए, तो इसको इतना आसान गेम नहीं समझना, आपने इसको इसका ड्यू रिगार्ड देना है। देन रिटेंशन एक बहुत बड़ा मसला, लोगों से याद नहीं रहता, लोग रिटेन नहीं कर पाते। मैंने आपको बताया कि अगर आप एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे और उस पर नीट एंड क्लीन करके लिखेंगे, मेरे ही नोट्स उठा के कॉपी पेस्ट कर दें, मेरा लेक्चर पॉज करें, मैं जो लिखा हुआ है सामने उसको अपने पास नीट करके लिख लें। सिर्फ एक खूबसूरत सा रजिस्टर मेंटेन करना है 100 से 150 सफों के दरमियान का, आपका पूरा सिलेबस उसमें आ जाएगा। और फिर जब याद करना, अपनी हैंड राइटिंग से याद करना है। लॉ में आप एक दिन याद करते हैं, अगले दिन भूल जाता है, उस अगले दिन याद करते हैं, उस अगले दिन भूल जाता है। अगर अपने हाथ के रजिस्टर का लिखा हुआ याद करेंगे, याद भी जल्दी होगा, भूलेगा भी देर से। तो ये एक सजेस्टेड है। देन आईकेप के सवाल कैसे अटेम्प्ट करें। आईकेप में ना 3 तरह के सवाल आते हैं यहाँ पे, और हर सवाल को अटेम्प्ट करने की अपनी साइंस है। ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है ना, जो डे 0 पे आप देख रहे हैं, इसको हम स्टार्टर पैक कहते हैं। इसमें एक फोल्डर आपको मिलेगा कि आईकेएफ के सवालों को कैसे सॉल्व करना है। वहां एक वीडियो होगी जिसमें मैंने 10-12 मिनट में आपको बताया है कि इसमें सवाल किस तरह के आते हैं, और हर सवाल को डील करने का मैंने आपको टोटके बताए हुए हैं। वो आपको वीडियो मिल जाएगी जिससे आपको समझ आ जाएगा आपने कैसे लिखना है। फिर अगर आप फॉर एग्जाम्पल टूल किट में, तो आप सर अली सर से पूछ सकते हैं कि जी मुझे बताएं मेरी गलतियां क्या है, मैं कहां पे मार खा रहा हूं, मेरी प्रेजेंटेशन कहां पे खराब हो रही है। तो आईकेप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने नहीं आते लोगों को। फिर एक बहुत बड़ा मसला इस पेपर में फेलियर का कि पीआरसी के बाद लोग नॉन सीरियस होते हैं। पीआरसी में उन्होंने इंट्रो और क्यूएम पे टाइम लगाया होता है, बाकी सब्जेक्ट्स में शुगल मुगल किया होता है, तो अल्टीमेटली वो उतने ही नॉन सीरियस होके जब कैफ में आते हैं तो कैफ उनके लिए वबाले जान बन जाता है। तो पीआरसी वाला नॉन सीरियस एटीट्यूड नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा अगर आप अपने साथ वाकई संजीदा हैं। तो देन शॉर्टकट सिलेक्टेड स्टडी, ये काम हरगिज नहीं करना। ये नहीं सोचना कि जी मैं फास्ट ट्रैक वाला हूं तो मैं कम चैप्टर्स करूंगा, नहीं। ईच एंड एवरी चैप्टर, हर चैप्टर तकरीबन आईकेप टेस्ट करता है। आईकेप की कोशिश होती है पेपर स्प्रेड कर दे। लास्ट टाइम उसने 5-5, 4-4, 3-3 नंबर के बहुत सारे सवाल दिए, यानी कि पेपर में 2 जो सबसे बड़े सवाल थे वो 6-6 नंबर के थे, अदरवाइज 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर। तो उनकी कोशिश होती है कि पूरे सिलेबस में फैल के ज्यादातर चीजें पूछें शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट नहीं लगाना, याद करना है, आसान गेम नहीं समझना, पीआरसी वाली नॉन सीरियस हरकतें नहीं करनी, और ये समझ लेना है कि आईकेएफ के सवाल कैसे करने होते हैं। उसकी वीडियो मैंने आपको बताया कि डे 0 वाले जो फोल्डर है ना उसमें पड़ी है। थोड़ा सा सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस हमारे कुछ हिस्सों में डिवाइड हुआ है। एक है इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, एक चैप्टर है, इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 आईकेएफ क्या था, उसकी वेटेज 5 से 8 है। मेरे से अगर आप पूछें तो मैं कहूंगा कि अगर मैं रफली बताऊं तो 5-1 नंबर के सवाल यहाँ से आते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एक कानून जिसको 2 पोर्शन में किताब ने डिवाइड किया, एक 20 से 25 नंबर के लिए और एक 25 से 30 नंबर के लिए। चैप्टर 2 से लेके 5 तक 20 से 25 नंबर और 6 से 10 तक इतने, इस इन दोनों पोर्शन से मिला के 50 नंबर का पेपर आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा लॉ है जो आधा है हमारे सिलेबस का। जब आप लेक्चर में जाएंगे तो जब शुरू हो रहा होगा तो उसमें आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी क्या है, किस तरह से, कैसे। देन लास्ट ग्रेड है अदर बिजनेस लॉज। अदर बिजनेस लॉज में आपके पास जो है वो पार्टनरशिप के 3 चैप्टर्स आते हैं। पार्टनरशिप का एक लॉ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक लॉ है, उसके 2 चैप्टर्स हैं, और फिर ये 3 चैप्टर्स हैं जिसमें 2-2 लॉज हैं। तो टेक्निकली 6 और 2, 8 लॉज में से 35 से 52 नंबर का पेपर, मैं अगर एवरेज आउट करके कहूँ तो 45 नंबर। लीगल सिस्टम जो पाकिस्तान का, उसमें से 5 नंबर, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ही कानून है जिसमें से अकेले 50 नंबर का पेपर। कानून भी थोड़ा सा बड़ा है, छोटे छोटे से मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं उसके, आप उसे देखेंगे तो सामने हमारे सिलेबस की तरतीब है।
और आप ऐसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, किताब को उठा के एनालाइज कर सकते हैं कि आपने उसको किस तरह से लेके चलना। मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो इतनी लंबी ना बने कि आप बोर हो जाएं, मैं थोड़ा सा फास्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। आई कैप सवाल किस तरह की पूछता है? आई कैप ने हमें बताया वह है कि 15% इस पेपर में एमसीक्यू होगा और 85% सब्जेक्टिव होगा। 85% सवाल होंगे जिसमें आपने लिख के करना है, 15% में आपने सिर्फ ऑप्शंस के नाम लिखने हैं, एमसीक्यूज। जो 85% है, आई कैप पुराने जमाने में बताता था कि नॉलेज बेस 40% और एप्लीकेशन बेस 60%। नॉलेज बेस का मतलब है जहां वो आपसे नॉलेज पूछेगा, यानी कि रट्टा पूछेगा। एप्लीकेशन बेस का मतलब है जहां आपसे वो लॉजिकल सवाल पूछेगा। अगेन ये जो नीचे वाली बात है, ये आई कैप ने आप एक्सप्रेसली नहीं बताई, पहले वो एक्सप्रेसली बताता था। रीसेंट, इंतहाई रीसेंट पेपर में एग्जैक्टली 40 नंबर का पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रैमिंग था और 60 नंबर का जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड था। 40 नंबर के सीधे सीधे वो सवाल थे जो प्योर रट्टा वाले थे और उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा साइंस नहीं लगानी थी, आपने बहुत ज्यादा उलझी भी लैंग्वेज नहीं लिखनी थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रैम करना था। फाइनल टिप्स एंड टेक्निक्स की तरफ आते हैं, क्या करना है? सबसे पहले आपको अपना डेली टारगेट मीट करना है, और डेली टारगेट मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि 14 जुलाई को ये पढ़ना है, 15 जुलाई को ये पढ़ना है, 17 जुलाई को ये पढ़ना है, नहीं। वो मैप में आपने डेट्स फिक्स करनी है। मैंने कोर्स इस तरह से बना दिया है कि 10 दिन बाद ज्वाइन करने वाला भी, अभी ज्वाइन करने वाला भी, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त 3 जुलाई की रात लग चुकी हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 3 जुलाई की रात लग चुकी है, यानी कि सैटरडे और संडे के दरमियान का, 2 और 3 जुलाई के दरमियान की रात है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली ये वीडियो आप लोगों को 3 जुलाई के दिन में मिलेगी। अगर आप इससे 7 दिन बाद आए हैं, 8 दिन बाद आए हैं, 11 दिन बाद आए हैं, कोई बहुत ज्यादा मसले की बात नहीं है। कोशिश करें कि लेटेस्ट मिड जुलाई तक आप इसको शुरू कर दें। ईद पे जाएं, ईद जरूर एंजॉय करें, लेकिन एक और ऑब्जेक्टिव भी जहन में रखें। तो जिस वक्त भी आप इसे शुरू करें, आपने वहां से 30 दिन का टारगेट रखना है। आप बीच में छुट्टियां अपनी पसंद से करेंगे, आप किस दिन पढ़ना चाहते हैं किस दिन नहीं, बजाय इसके कि जिस दिन मूड नहीं है उस दिन ना पढ़ा जाए, नहीं, दिस इज गुड कि आप पहले दिन बैठें, स्केड्यूल सामने रखें, वो जो स्केड्यूल मैंने आपको दिखाया है ये स्केड्यूल सामने रखें और यहाँ तारीखें फिक्स करें, लिखें तारीखें, और फिर जिस तारीख को आप ना कंप्लीट कर सके आपको दुख होना चाहिए, इसका प्रिंट ले अपने दरवाजे पे लगा दें, दरवाजे की बैक साइड पे, हर दिन जब कमरे से बाहर जा रहे हो आपको नजर आए, हर दिन जब कमरे में आए तो दरवाजे के पीछे आपको नजर आए। देखें, अगर आप इतना ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते ना, मैं आपसे सिर्फ 30 दिन की एफर्ट मांग रहा हूँ। आप 30 दिन मेरी बात सुन लें, अगर आपका पेपर पास हो जाए, यकीन माने आपके टारगेट्स बहुत बेहतर हो जाएंगे, आपको कैफ इजी लगना शुरू हो जाएगा। तो 30 दिन, आज 3 तारीख से लेके ऑनवर्ड पेपर तक, अभी भी 2 महीने से ऊपर टाइम है, मैं उसमें से 1 महीना मांग रहा हूँ आपसे, सिर्फ 1 महीना आपने मेरा साथ देना है, और कुछ दिनों के लाइव सेशन हैं जो आप अपने इजी रिलैक्स टाइम पे, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि छुट्टी का दिन हो, आज मैंने पढ़ना नहीं है, बस उस दिन लाइव सेशन ऐसी कानों में टूटी लगा के सुन लें, बच्चे सवाल क्या पूछ रहे थे, जवाब क्या चल रहा था, आप उसे पढ़ाई का दिन ही ना काउंट करें। तो ये 30 दिन आपने प्लान करने हैं, मैं आपको एक प्लान सा दे दिया है, लेकिन इस पर तारीखें आपने डालनी है अपने हिसाब से। तो जो टिप्स एंड टेक्निक्स की हम बात कर रहे थे, उसमें ये है कि आपने एक तो डेली के टारगेट्स मीट करने हैं, आपने टेस्ट देने हैं, हर 2 दिन बाद कोई ना कोई टेस्ट आया हुआ होगा, आप टेस्ट दें। आपकी रिटन एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको 6 महीने नहीं मिले, आपके पास यही 1.5-2 महीने हैं जिसमें आपने अपनी राइटिंग भी इम्प्रूव करनी है। टेस्ट जरूर दें, पास पेपर्स की प्रैक्टिस करें, पास पेपर की प्रैक्टिस की वीडियो तो आपको एक मॉड्यूल में भी मिल जाएंगी और रिविजन क्लासेस में जो एंड पे दी हुई है उसमें भी मिल जाएंगी। मिड टर्म और मॉक लाजमी दें, डेडिकेटेड रहें, डिटरमिनेंट रहें, इसमें बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना हो, आप प्रॉपर ईमानदारी से फर्शनासी के साथ अपना काम करते रहें, जज्बाती हो जाएं, इरादा रखें, पैशन, अगर आप में पैशन नहीं है, इरादा नहीं है, आप जज्बाती नहीं है, मत आए इसमें। लेकिन अगर जज्बाती हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो यस, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वो जिस स्टूडेंट का मैरिट सर्टिफिकेट आया था उसका इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसने कहा कि मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा तुमसे नहीं होगा, कम टाइम है, ऐसे थोड़ी होता है, डिमोटिवेट किया। फिर उसने ओरिएंटेशन सुनी जिसमें मैंने कोशिश किया मोटिवेट करने की, तो वही कोशिश मैं आप लोगों के लिए भी कर रहा हूँ, प्लीज मोटिवेटेड हो, इतना मुश्किल कोर्स नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो रेगुलर 6 महीने का भी बैच है वो भी 60 दिनों में खत्म हो गया, तो आपको उनसे हाफ टाइम में करना है और एक ही पेपर आपका। वो लोग स्लो भी पढ़ रहे थे, छुट्टियां भी बीच में थी, ईद भी आ गई, रमजान भी आ गया, आपके साथ ये मसले नहीं है, आप पढ़ें। 30 दिन मुझे आपके चाहिए, इन 30 दिनों में 26 दिन पढ़ाई है, 4 दिन रिविजन क्लासेस है, तो बहरहाल आप 30 दिन प्रॉपर तरीके से दे दें, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से आप अगर एफर्ट कर रहे हैं तो अल्लाह आपकी मेहनत रायगा नहीं होने देगा।
तो यकीन माने आपको खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अगली दफा तीन भी पास कर सकेंगे, और इंशाल्लाह अगर वो तीनों पास हो गए तो आप अगली दफा बड़ी गेम भी खेल सकते हैं। तो ये चीजें छोटी छोटी सी हैं। देन एंड पे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े हिम्मत हौसले से मेरी ओरिएंटेशन सुनी और इसे फॉरवर्ड नहीं किया। और अगर आपने इसको क्लिप आगे फॉरवर्ड करके देखा, भाई खुदा के लिए ऐसा ना करें, पीछे जाएं। मैंने हर थोड़ी देर में, हर मिनट कोई ना कोई काम की बात कही है, लाजमी उसे सुने। मेरी कोशिश है, मेरी दुआ है, अल्लाह आप लोगों को दुनिया और आखिरत के इम्तिहान में कामयाब करे। इंशाल्लाह ताला आपका ये पेपर क्लियर हो तो मेरे साथ आपकी मुलाकात इंशाल्लाह रहेगी। मैं KF लेवल, CA फाइनल लेवल पे काफी सारे सब्जेक्ट को डील कर रहा होता हूँ, और साथ में कोशिश कर रहा होता हूँ, एक ठेका उठाया हुआ है, एक विजन है कि स्टूडेंट्स, KF के स्टूडेंट्स या CA के स्टूडेंट्स, उनकी हेल्प के लिए कोशिश करनी है। तो इंशाल्लाह ताला आपको डिफरेंट मेंटर्स के थ्रू, डिफरेंट किताबों के थ्रू, इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस वक्त आपने मेरी हेल्प करनी है, आपने पेपर पास करना है। मेरी हेल्प से ही मुराद नहीं कि मुझे फीस जमा कराएं या मेरे दायरे के लिए नारे लगाएं और फेसबुक पे इसकी पोस्टें शेयर करें, नहीं। आप पेपर पास करें, यकीन माने आप स्ट्रेंथन होंगे, हमें खुशी होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नीचे मेरा ईमेल एड्रेस भी आ रहा है, आप डायरेक्टली मुझे इस पे ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि एक दफा अगर एक जगह कंफ्यूजन आ रही है तो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का फोल्डर होगा जिसमें उस चैप्टर की कंफ्यूजन के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई। फिर भी प्रॉब्लम है, लाइव सेशन की वीडियो देख रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम है, आप मुझे ईमेल कर दें, सर ये चीज मुझे अभी भी नहीं समझ आ रही, मैं आपको ईमेल पे बता दूंगा। आपको ईमेल करते हुए प्रॉब्लम है, टीम मेंबर सर उसामा वही थे, उनका नंबर है, आप उन्हें फॉरवर्ड कर दें, छोटी मोटे इश्यूज वो आपको आंसर कर देंगे। और जो मेरे तक आने वाला होगा, जिसमें आपने कहा होगा सर से वॉइस नोट चाहिए, वो मेरे तक फॉरवर्ड कर देंगे, मैं जवाब दे दूंगा। ईमेल या व्हाट्सएप एक दो दिन के फासले से इंशाल्लाह ताला हम आपको जवाब दे देंगे। और हम ये नहीं कहेंगे कि चूंकि आप मुफ्त के कोर्स में आए हैं तो हम आपको जवाब नहीं देंगे। हाँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इस तरह से कोर्स डिजाइन हो कि आपको मुझ तक आना ना पड़े, मैं वर्चुअली आपके ख्वाबों में आके आपको तंग करूं, आप जो है वो इतना पढ़ें कि आपको नींद में भी जो है ना वो मेरी बातें याद आ रही हो। मुझे याद है लास्ट टाइम स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर मैं पेपर में बैठ के पेपर कर रहा था और मेरे दिमाग में आपकी तस्वीर आ रही थी और आपने जो IKF में एग्जाम्पल्स दी थी वो जहन में आ रही थी। तो अगर आप इतनी मोहब्बत कर लें अपने टीचर से, अपने कंटेंट से, अपने सब्जेक्ट से, इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। इस दुआ के साथ कि आप अपना टाइम कीमती तरीके से सर्व करेंगे और सियासत से दूर रहेंगे। कोशिश करें कि फेसबुक, सियासत, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े मत करें, सुकून से अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें। आप जितनी जल्दी सीए क्लियर करेंगे उतनी जल्दी आप अपने वालदैन की ख्वाहिशें पूरी कर सकेंगे, और वो जो आपके दिल में एक उमंग जागती है कि मैं अपने वालदैन के लिए कुछ कर सकूं, आप कर सकेंगे। जैसे अगेन मैं बार बार इसलिए कोट कर रहा हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगा उस लड़के से मिलके, जिस स्टूडेंट ने लास्ट टाइम मैरिज सर्टिफिकेट लिया, उसके फादर जो है वो उसको पढ़ाने के लिए अपना घर सेल करना के चक्कर में थे। इतना मैं रोका बड़ी मुश्किल से, उसने कहा नहीं जी मैं कोशिश करूंगा, मैं एफर्ट करके, मैं और उसने माशाल्लाह से एफर्ट की और मैरिज सर्टिफिकेट ले आया, घर भी नहीं बिकने दिया। मजे की बात है, हमने एक छोटा सा कैश प्राइज भी दिया 50,000 का, और प्लस उसको 2.5 लाख की स्कॉलरशिप मिल गई, यानी कि आगे नियर पियर पे उसके सारे कोर्सेस फ्री हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्चे ने अपनी एफर्ट से अपने वालिद का इतना बड़ा बोझ उतार दिया कि उसके वालिद इतना खुश हो रहे थे, उन्होंने कहा कि इस बच्चे ने तो समझे मतलब मुझे बिल्कुल इजी कर दिया, मुझे इसके ऊपर मजीद खर्चा नहीं करना। और अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्चे ने अपने वालिदैन का मान रखा। तो आप क्यों नहीं, मतलब शायद लास्ट टाइम मैं इसी तरह से बात कर रहा था और उसको मेरी बात सुनाई दी, तो शायद इस सेशन में भी कोई और बच्चा ऐसी बात सुन के इमोशनल हो जाए। मुझे ये नहीं चाहिए कि आप मैरिज सर्टिफिकेट लाजमी लेके आए और मुझे तमगा एजाज मिले, ऐसा नहीं है। आप पास हो बहुत खुशी होगी, आप मैरिज सर्टिफिकेट लेके आएंगे और खुशी होगी, सबसे ज्यादा खुशी होगी जब आप अपने वालदेन का बोझ कम कर रहे होंगे। इस दुआ के साथ कि आप जो है वो अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, हो सके तो कभी जब बहुत पढ़ रहे हों तो उस मुश्किल लम्हात में अपने टीचर को भी दुआ दे दीजिएगा। आपकी दुआ हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमान।